नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कोरोना के विषय में आज आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप नहीं चाहते कि हमारा भारत देश कोरोना मुक्त हो जाए? हमें यकीन है कि कोई भी भारतवासी एक्स वाई जेड कोई भी हो, ये नहीं चाहेगा कि हमारे भारत में कोरोना और फैले। तो जैसे कि मैं समाचार देख रहा था, मुझे पता चला है कि कोरोना वायरस के 4 चरण होते हैं और भारत में ये अभी दूसरे चरण में चल रहा है, जबकि तीसरे और चौथे चरण में यह बहुत तेज़ी से फैलता है। और हम क्या आप भी ये नहीं चाहेंगे कि यह तीसरे चरण तक पहुँचे? तो दोस्तों, इसे रोकने के लिए हमारा और आपका सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, घरों में रहकर वहीं से अपना अपना काम करें, अपने परिवार के साथ अपना समय व्यतीत करें, और अगर बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा ना निकलें। और जब भी घर से बाहर निकलें तो साथ में सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, क्योंकि हर जगह पानी और साबुन नहीं मिल सकता आपको। तो समय समय पर अपने हाथ को अच्छी तरह से सैनिटाइज करते रहें, किसी से हाथ ना मिलाएं, उसको दूर से ही नमस्कार करें, और बिना हाथ साफ़ किए अपनी आँख का नाक मुंह को ना छुएं। और हाँ दोस्तों, सरकार ने ज़रूरतमंद चीज़ों जैसे दवाइयों और राशन की दुकानें खुली रहने का आदेश दिया है, ताकि आपको और हमको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। और यदि सरकार हमारे हित के लिए इतना सब कुछ कर सकती है, तो क्या हम अपने खुद के हित के लिए घर में नहीं रह सकते? तो दोस्तों, मेरी बातों का मतलब किसी को ज़बरदस्ती घर में बैठने से नहीं है, बल्कि अपने लिए एक कदम उठाने से, क्योंकि हमारे इसी सहयोग से हमारा भारत कोरोना मुक्त हो सकता है, क्योंकि हमारी सुरक्षा अब हमारे ही हाथों में है। अगर मेरी बात आपके समझ में आई हो तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।